आज की हमारी पहली क्लास है पावर बीआई के बारे में। आप लोगों ने पावर बीआई के लिए एनरोल किया, थैंक्स। और हम बात करेंगे पावर बीआई की टॉपिक्स के बारे में कि आखिर पावर बीआई का क्या रोल है, कैसे क्या है, ये सब कुछ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं कि पावर बीआई का आखिर यूज क्या है। पावर बीआई का आखिर यूज क्या है? सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। तो यहां हम जो है पावर बीआई सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। पहले जान लो कि पावर बीआई जो है एक अलग सॉफ्टवेयर है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होती है कि पावर बीआई जस्ट लाइक एक्सेल, एक्सेल का ही पार्ट है। तो पावर बीआई एक्सेल का पार्ट नहीं है, पावर बीआई एक अलग सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, पावर बीआई एक अलग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल का पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, पावर बीआई जो काम करता था वो पहले हम एक्सेल से करते थे। क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई क्या करता था पहले, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पावर बीआई पहले क्या करता था। तो पावर बीआई की मदद से हम पहले क्या करते थे, डैशबोर्ड्स बनाते थे, कुछ इस तरह के डैशबोर्ड। पावर बीआई जब नहीं यूज होता था तो एक्सेल की मदद से हम कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह के डैशबोर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, इस तरह का डैशबोर्ड बनाया करते थे। लेकिन इस तरह के डैशबोर्ड बनाने में काफी टाइम लगता था। और काफी ज्यादा एफर्ट भी लगते थे, नॉलेज भी चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इस पावर बीआई, सॉरी एक्सेल का यूज करने के लिए। बट ये पावर बीआई पे हम इजीली इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर बीआई का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हम इस क्लास शुरू कर चुके हैं। तो बाकी चीजें हम बाद में बात करते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर जो आपके सामने दिख रहा है ये कहां से इंस्टॉल होगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं गूगल क्रोम पे, या कोई भी जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर पे आइए। गूगल पे जाके यहां पे सर्च कीजिए पावर बीआई डाउनलोड, पावर बीआई डाउनलोड। ठीक है, पावर बीआई डाउनलोड जब यहाँ पे डाउन सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला लिंक आएगा। लिंक को एक बार वेरीफाई कर लें कि वो माइक्रोसॉफ्ट का है या नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे अलग वेबसाइट से भी आते हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का लिंक यहाँ पे वेरीफाई कर लें। मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपके सामने दिख रहा है और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। बट डाउनलोड पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में डाउनलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे आएंगे। यहां से लैंग्वेज इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है और इसको यहां से हम डाउनलोड पे क्लिक करें। और यहां अपना जो सिस्टम का टाइप है उस सिस्टम टाइप को सिलेक्ट करके यहां हम कर देंगे डाउनलोड। कुछ सेकंड्स वेट कीजिए। ये आपका डाउनलोडिंग चल रहा है। अब कितने देर में डाउनलोड होगा वो आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। मेरा स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, फाइबर है, इसलिए तो कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड हो गया। अब इस करते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को,
से उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करना है। कोई ऐसा कुछ चीजें नहीं करनी है, बस नॉर्मली जो है वो हमें करना है। नेक्स्ट कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि आपके पास विंडोज 8.1 से अपर वर्जन होना चाहिए विंडोज का। विंडोज 7 वगैरह है उस पे नहीं हो पाएगा। हाँ, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8 में आपका ये पावर बीआई चल जाएगा। दूसरी चीज, पावर बीआई थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं कि हाँ तुरंत कर दे। तब तक इंस्टॉल हो रहा है, तब तक बाकी चीजों पे डिस्कस करते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इस ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो फिर हमें पावर बीआई की जरूरत क्यों पड़ गई। पहली चीज को जानते हैं। देखिए, एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आपका ये जो डैशबोर्ड बनाना है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। जैसे सामने डैशबोर्ड दिख रहा है, इसको बनाने में तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास लगा है, और साथ में एफर्ट भी, नॉलेज भी, सब कुछ लगा है। देखिए, पावर बीआई पे यही काम हम जो है जल्दी कर सकते हैं, और साथ में मुझे उतना ज्यादा डीपली पावर बीआई की नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, हम डेटा, इसमें तो हम डेटा रखना पड़ता है ना, यहाँ पे डेटा रखना पड़ता है, और डेटा लिमिटेशन है इसका, डेटा का लिमिटेशन है। नेक्स्ट, एंड इंस्टॉल कर दिया। लेकिन पावर बीआई में डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं, और पावर बीआई 100 से ऊपर डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है। मतलब कि आपका डेटा अगर एसक्यूएल में है, ओरेकल में है, सैप में है, आपका डेटा अगर क्या बोलते हैं, और आपका माई एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, शेयरपॉइंट में पड़ा हुआ है, रेडिट में पड़ा हुआ है, जोहो में पड़ा हुआ है, गूगल सीट में पड़ा हुआ है, तो सबसे इस डेटा को कनेक्ट कर लेता है हमारा पावर। सो पावर बीआई में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो है लोग यूज करते हैं। ये अपडेट कर रहा है, मेरे पास ऑलरेडी था तो अपडेट कर रहा है। अब इसके स्कोप की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस तरह के डैशबोर्ड बनाने के लिए पावर में एक तो कम टाइम और कम एफर्ट लगता है, तो सॉरी, कंपनी के अंदर में पावर बीआई का यूज का चलन बढ़ रहा है। जो कंपनी इस तरह की डैशबोर्ड वगैरह, उनका डेटा साफ सुथरा होता है, इस तरह के डैशबोर्ड वगैरह पे वो काम करते हैं, तो वो कंपनीज पावर बीआई को यूज कर रही है। जैसे एसेंचर हो गई, जेनटेक्ट हो गया, ऐसे जो कंपनीज, एमएनसी कंपनीज वगैरह है, वो रिपोर्टिंग के लिए पावर बीआई यूज करते हैं। दो चीज कारण के लिए, पहला कि पावर बीआई जो हर कोई यूज कर पाता है इजिली, स्पेशल कोई माने कि डीपली ट्रेनिंग, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद अगला पार्ट आता है कि इसको ग्लोबली कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है, कहीं से भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है। पावर बीआई के दो वर्जन है, एक डेस्कटॉप वर्जन है और एक आपका वेब वर्जन है, तो वेब वर्जन को कहीं भी यूज किया जा सकता है। आप डेस्कटॉप बनाए, वर्जन बना के डेटा अपलोड कर दिए वहां से कीजिए। दूसरा, इसको शेयर करने के, जैसे मान लीजिए कि मैं रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट के साथ साथ किसी को मेल करना है, तो इसका डेटा भी इसके साथ जाएगा। अगर सिर्फ रिपोर्ट भेजूं तो फिर डायनेमिक नहीं रहेगा, तो डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि भाई हम रिपोर्ट तो देना चाहते हैं किसी को, पर डेटा नहीं देना चाहते हैं, तो हम इसकी वेब लिंक बना के भेज देंगे, क्यूआर कोड बना के भेज देंगे, तो सिर्फ रिपोर्ट देख पाएगा, रिपोर्ट पे सारे स्लाइस और केपीआई यूज कर पाएगा, बट डेटा के साथ छेड़छाड़ क्या, डेटा देख भी नहीं पाएगा कि डेटा क्या है। किसी वेबसाइट के ऊपर इसको अपने रिपोर्ट को, लाइव रिपोर्ट को एम्बेड करना है,
तो वहां पे ये चीजें हम कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियों के साथ आपके पावर बी आई यूज करता है। मैं पावर बी आई अपडेट होने लगा, इसके तरह से टाइम लग रहा है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारा इसके अंदर है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, एमआईएस की फील्ड में जाते हैं, तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होता है कि आपको पावर बी आई आता है। पावर बी आई की जैसा एक सॉफ्टवेयर और है जिसका नाम है टैबलू। टैबलू 2012-13 से यूज हो रहा है, क्योंकि मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ उसको, 12-13 से यूज हो रहा है। तो पावर बी आई की जैसा ही टैबलू है, लेकिन पावर बी टैब माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, सेल्सफोर्स का है। लेकिन मैं उसको पढ़ाना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब देखिए, इन्होंने इसका इंटरफेस चेंज कर दिया, पहले कुछ और था, अब यहाँ पे चेंज कर दिया। अब न्यू पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा नया होम पेज का इंटरफेस चेंज कर दिया। जैसे पावर बी आप खोलते हैं, तो खोलते के साथ कुछ तरह इस तरह का ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप आपके रिसेंट जो यूज की गई रिपोर्ट है वो यहाँ दिख जाएगा आपको। उसके बाद इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एव इंटरफेस आएगा। अब मैंने लॉगिन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन का क्या चक्कर है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे ने बताया कि वेब कंसोल है, इंटरनेट पे भी इसका इंटरनेट आईडी चाहिए, क्योंकि जो डेटा वगैरह आपके इंटरनेट पे जाएगा उसमें आईडी वगैरह चाहिए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर बी आई में कहाँ से रिपोर्ट बनाना शुरू कैसे करेंगे, बाकी चीजें मैं इसमें समझाता हूँ। तो पावर बी आई इंस्टॉल करना आपको, आप लोग पावर बी आई अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने जो पावर बी आई खुला, इसमें चाहिए डेटा, क्योंकि पावर बी आई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता है। पावर बी आई किसी न किसी डेटा के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। सो पहले आपको चाहिए क्या, डेटा। डेटा कैसे कनेक्ट करेंगे, तो डेटा कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे डेटा के सोर्सेज है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेम्बर, डेटा कनेक्ट करने से पहले एक बार डेटा को चेक कर ले। जैसे मैं अभी एक डेटा कनेक्ट करने जा रहा हूँ, एक बार डेटा को अपने एंड से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि तो डेटा डेटा फॉर्म में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डेटा डेटा फॉर्म में नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई, तो दिक्कत हो जाए। इसलिए डेटा डेटा के अंदर होना चाहिए। तो डेटा देख सकते हैं, डेटा डेटा फॉर्म में करने का मतलब क्या है, कि सबसे पहले तो आपका डेटा रो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। डेटा सिर्फ डेटा होना चाहिए, इसके अलावा जो फालतू के यहाँ कुछ और चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटा का सेम टाइप होना चाहिए। सेम टाइप के मतलब वो, जैसे क्वांटिटी है या नंबर है, तो इसके अंदर नंबर होना चाहिए, बीच में किसी तरह का टेक्स्ट वेक्स नहीं होनी चाहिए। डेट है तो इसके अंदर डेट होनी चाहिए, कोई और चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के डेटा डेटा फॉर्मेट में हो तो बेटर होता है। अब चलिए इसको हम पावर बी आई में कनेक्ट करते हैं। तो पावर बी आई में यहाँ फ्रॉम यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही
आप अपने लोकेशन पे जाइए जहां पे आपका डेटा है, जहां से आपको सिलेक्ट करना है। जब मैं सिलेक्ट कर लिया देन ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ बहुत सारे शीट्स दिखेंगे, जो शीट्स आपको सारे शीट्स दिखेंगे। इस पे मैं यहाँ C1 पे क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा यहाँ विजुलाइज हो गया, डेटा को मैंने वेरीफाई कर लिया। अब देखिए लोड बटन नहीं एक्टिवेट हो रहा है, ये कब एक्टिवेट होगा, जब ये चेकबॉक्स जो दिख रहा है इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये लोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यह लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसल तीन है। कैंसिल तो बताने की जरूरत नहीं है, पता ही कैंसिल क्या होता है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि एक बार आपका डेटा में अगर लगा कि कोई चीज प्रॉब्लम है, डेटा को सही करने की जरूरत है आपको, तो ट्रांसफॉर्म करके आप चले जाइएगा पावर क्यूरी पे। और पावर क्यूरी पे जाने के बाद आप वहां से डेटा को अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। और डेटा बिल्कुल सही है तो आप लोड पे क्लिक कीजिए, डेटा आपका पावर बीआई में आ जाएगा। आ गया। अब थोड़ा सा इंटरफेस को समझते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है पावर बीआई का एप्लीकेशन है। ये जो विंडोज दिख रहा है इसको बोला जाता है कैनवस। यहीं पे सारी रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, और कई सारी रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे आप एक्सेल सीट को प्लस करके इंसर्ट करते हैं, ऐसे यहां भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कैनवस। उसके बाद यहाँ पे तीन स्लाइड है, पहला आपका फिल्टर का है, दूसरा आपका विजुलाइजेशन का, तीसरा आपका डेटा का है। तो जो डेटा वाला है उसमें देखिए सारे फील्ड्स आ गए। अभी जो मैंने डेटा कनेक्ट किए हैं उसके सारे डेटा फील्ड्स आपके यहाँ पे आ गए। ये आपका विजुलाइजेशन है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, यहां से पिक करना है। और ये फिल्ट्रेशन है कि उस पे अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे एक पिवट टेबल की तरह टेबल चाहिए, तो मैंने अपनी टेबल पे क्लिक किया, टेबल यहां आ गई। अब इसको अपने हिसाब से जैसे पिक्चर को रिसाइज करते हैं, ऐसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ये बिल्कुल इमेज की तरह। और पावर बीआई यही भी अच्छा होता है, टैबलो में ऐसा नहीं है। टैबलो में एक पेज मतलब एक विजुलाइजेशन। अब यहां पे मुझे चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिका है, तो प्रोडक्ट को पिक करके यहां पे छोड़ दिया और क्वांटिटी को पिक करके यहां छोड़ दिया। और भी चाहिए, से मैं चाहता हूं कि इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यहां छोड़ दिया। तो बिल्कुल पिवट टेबल की तरह आप आपका वर्क करेगा। देखिए पिवट टेबल जैसे हैंडल होता है, ऐसे देखिए यहां पे मूव हो रहा है पिवट टेबल की तरह, पिवट टेबल की तरह मूव हो। अब मान लीजिए कि ये जो है पूरे कई साल का डेटा है, मुझे 2024 का ही रिपोर्ट बनाना है। तो मेरे पास दो चीजें हैं। पहला कि मैं इस रिपोर्ट को बैकएंड में कर दूं कम, जैसे मैंने ईयर उठाया और ईयर को मैंने यहाँ फिल्टर वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दिया, लिखा है ऐड द फिल्टर ईयर, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ हम जो है बेसिक फिल्ट्रेशन में जाके हमने यहाँ पे 2023 का ले लिया, तो पूरी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग हो। तो जब रिपोर्ट हम भेजेंगे तो बंदा इसको छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पर्सन अपने हिसाब से देखे कि किसका कौन सा रिपोर्ट है। तो यहाँ आपके पास स्लाइसर, जैसे पिवट टेबल में स्लाइसर होता है, ऐसे यहाँ पे आपको स्लाइसर्स आएंगे। और यहाँ पे हम अपने ईयर को रखते हैं। इसकी कोई भी विजुलाइजेशन, चाहे वो टेबल हो, स्लाइसर हो या कोई चार्ट हो, आप जो है फॉर्मेट में जाके इसकी सेटिंग वगैरह, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइल कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया। तो अब मैं 2020 करूंगा, 2020 21 करूंगा, 2021 होगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, कैनवस है। ये आपका फिल्ट्रेशन पार्ट, ये आपका विजुलाइजेशन, जहां से विजुलाइजेशन चूज करेंगे, ये आपका डेटा का फील्ड जो डेटा कनेक्ट किया है आपने। अब जो डेटा कनेक्ट किया है, ठीक है, उसी तरह से तीन व्यू है। पहला आपका इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू, यहां से देखिए क्या लिखेगा,
रिपोर्ट व्यू, दूसरा आता है आपका टेबल डेटा व्यू। डेटा व्यू मतलब, टेबल व्यू मतलब जो डेटा आपने कनेक्ट कर रखा है उस डेटा को आप देखना चाहते हो, देखना ही नहीं इसको चेंज भी करना चाहते हो। जैसे कि देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में है तो यहाँ डेसिमल में आ रहा है, तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाए। इससे फायदा क्या होगा, जब विजुलाइजेशन में यहाँ इसको यूज करेंगे तो परसेंटेज में रहे। दूसरा ये देखिए प्रॉफिट जो है कैसा डेसिमल्स में है, मैं डेसिमल को जीरो करना चाहता हूँ तो जीरो कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज तो हम एक तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, दूसरा इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हो, डेटा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारे पास सिटी है, सिटी जाहिर सी बात टेक्स्ट है बट इसकी कैटेगरी सिटी का है, तो यहाँ डेटा कैटेगरी में मैंने इसको सिटी ले लिया। अब इससे क्या होगा कि जब मैं मैप चार्ट वगैरह बनाऊंगा वहां पे सही तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो डेटा, उसके अलावा किसी कॉलम को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब कोई नया कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं कि भाई क्वांटिटी हमारी और ये टारगेट है, तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि मैं टारगेट माइनस क्वांटिटी करना चाहता हूँ। क्वांटिटी अगर रिजल्ट प्लस में आया मतलब उतना बचा है, माइनस में आया तो उतना ओवर हो गया। तो क्वांटिटी में हम यहां टी आर ए सी एच कर देता हूँ, टारगेट अचीव, क्या कर दिया टारगेट अचीव। ओके, और यहां पे हम देते कंक्लूजन क्यू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो माइनस ना होगा, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे टारगेट। अब यहाँ पे टैब प्रेस कीजिए सिलेक्ट हो जाएगा, माइनस हमने क्या कर दिया क्वांटिटी। तो यहाँ हम डेटा में ऐड भी कर सकते हैं कोई भी डेटा, और जो ऐड किया है वो कैलकुलेटेड फील्ड रहेगा और उसको भी हम विजुलाइजेशन में देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो कि इसको उठाया और यहाँ रख दिया। तो हर प्रोडक्ट का मुझे सॉरी हमें टेबल में रखना चाहिए था, यहाँ टेबल ड्रॉप कर दिया, यहाँ देखिए एक नया फील्ड ऐड हो गया। जैसे यहाँ एसक्यूएल में हमारा 15 बच गया है करना था, बाकी सब जो है माइनस में, मतलब कि ये देखिए आपका पावर बी आई में 1490 क्वांटिटी टारगेट से बच गया है। तो यहाँ पे आप अपना व्यू डेटा देख सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो आता है डेटा मॉडल व्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पावर बीआई में हम एक बार में, एक ही डेटा नहीं एक बार में कई सारे डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब जब कई सारा डेटा ऐड होगा तो उनके बीच में हमें रिलेशंस को मैनेज करना होगा, तो रिलेशन को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिलेशनशिप जो कि डेटा मॉड्यूल में होगा। कहाँ होगा, डेटा मॉड्यूल में होगा। तो तीन व्यू है, पहला आपका रिपोर्ट व्यू जहां पे आप रिपोर्ट को बनाएंगे देखेंगे, दूसरा आपका आता है डेटा व्यू जहां पे डेटा को छेड़छाड़ करेंगे, तीसरा आता है आपका रिलेशनशिप के लिए डेटा मॉडल। तो तीन आपके टूल्स टूल्स फील्ड है और तीन आपका व्यू फील्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं रिपोर्ट जो बनाना चाहता हूँ वो बात चाहता हूँ कि कोई मोबाइल पे भी देखे, मैं मोबाइल मेरे पास मेरे जिसको भेजना है उसके मोस्टली लोग मोबाइल पे ही डेटा यूज करते हैं। तो यहाँ नीचे व्यू भी है, लेआउट इसको बोलते हैं लेआउट, ये डेस्कटॉप लेआउट है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा रिपोर्ट लेआउट, क्या हो जाएगा रिपोर्ट लेआउट, और इसमें जो रिपोर्ट बनाना है हम बनाएं। आप किसके थ्रू बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्ट जो बना रहे हो वो किसको दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तो आपका डेस्कटॉप व्यू और रिपोर्ट ये भी राइट। तो
तो आप पावर बीआई समझ में आ रहा है आप लोगों को? राजेंद्र जी, विक्रम जी, संजय जी, किसी तरह का प्रॉब्लम? नो सर, अब क्वेश्चन आ गए, यस बोलिए। सुजीत जी, इट्स क्रिस्टल क्लियर, यू कैन कैरी ऑन। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ भी अभी तक सीखा, एक हाईलाइट ले लेते हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि हम पावर बीआई को डाउनलोड करके सिस्टम इंस्टॉल कैसे करेंगे, पावर बीआई जब ओपन होगा तो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या आर्किटेक्चर है उसके बारे में जाना। फिर मैंने बात की आपके साथ कि कैसे कोई डेटा को हम पावर बीआई में कनेक्ट करेंगे। फिर हमने बात की कि उस डेटा के ऊपर हम कुछ तैयार कैसे करें। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो सिंपल चीजें बताई है। अब चलिए आपके साथ एक छोटी सी विजुलाइजेशन तैयार करने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये डेटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है कि इस डेटा पे एक विजुलाइजेशन तैयार करनी है जिसमें मैं टेबल यूज करूँ, ज्यादा चार्ट वगैरह यूज ना करूँ। ऐसे केसेस में क्या करूंगा मैं कि मैं रिपोर्ट लेवल पे आता हूं। सबसे पहले तो हम यहां पे अपना, मुझे यहां पे क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी। तो मैंने यहां पे अपनी फील्ड में गए और मैंने अपना क्वांटिटी डाल दिया, और क्वांटिटी टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। तो यहां मैक्सिमम वाला फील्ड जो दिख रहा है इस पे मैंने अपना टारगेट डाल दिया। इससे क्या होगा, उसी हिसाब से दिखेगा। यहाँ ये 100% के राउंड है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसी तरीके से क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी रेवेन्यू। तो मैंने यहाँ रेवेन्यू को उठा के यहाँ डाल दी। अब रेवेन्यू के हिसाब से तो डाल तो दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, यहाँ किसी और हिसाब से चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे डेटा के अंदर में ये टारगेट और एमआरपी, ठीक है, तो इसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करना है कि नहीं करना। अब एमआरपी में दिक्कत है, मेरा एमआरपी जो है फिक्स है कि मैं जो है 300 रुपीज पर क्वांटिटी का हम चार्ज करते हैं, लेते हैं। तो मेरा टारगेट 300 के टारगेट को अचीव किया, 300 ज्यादा हो जाएगा, चलिए हम 200 कर देते हैं, कि 200 के टारगेट से नीचे के हिसाब से कितना अमाउंट जनरेट करना चाहिए था, हमने कितना अमाउंट रेवेन्यू जनरेट किया 200 के हिसाब से। तो प्रॉब्लम है ये कैसे करें 200 के हिसाब से। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना खुद का फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेजर्स। ध्यान देखिए, डेटा में कॉलम ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे टोटल में चाहिए, हमें डेटा में नहीं चाहिए, तो हम मेजर्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे TRG हमने रेवेन्यू का नाम ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा सम, सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 200। एंटर प्रेस किया, एक नई फील्ड यहां पे टारगेट रेवेन्यू का आ गया। अब इस टारगेट रेवेन्यू को उठा के इसकी मैक्सिमम वाले पार्ट में डाल, उससे क्या होगा उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो 100% में कितना परसेंट हुआ वो यहां आपको दिख रहा है। जब भी कोई रिपोर्ट बनती है तो जाहिर सी बात है उसका हेडिंग टाइटल तो होना ही चाहिए, अगर टाइटल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे केसेस में हमें इंसर्ट करना है टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन पे लिख दीजिए, जैसे मैं लिख दिया इस यहाँ पे इस सेल्स डैश बोर्ड 2024, और इसको भी उठा के हम ऊपर रखना चाहते हैं, हम इसको रिसाइज करते हैं, और साइज जाहिर से बड़ा करना है हमें, सर यहां से बड़ा करते हैं, तो ज्यादा बड़ा हो गया 40। बोल्ड करते हैं, कलर ब्लू करते हैं, मिडल करते हैं, और अंडरलाइन भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, रेवेन्यू को 200 से नहीं 300 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। आ गया, तो कितना परसेंट अचीव हुआ दिख गया,
यहां पे मुझे अपना पूरा डेटा शो करना है विथ टोटल, तो हमने टेबल लिया, टेबल को यहां रखा और डेटा को यहां रखा, और इसमें मैंने क्या क्या डाला, तो मुझे चाहिए आईडी, डेट। जब आईडी डाला तो टोटल हो गया, तो यहां पे काउंट हटाइए, क्या कीजिए, डॉन्ट समराइज, मुझे सारा डेटा चाहिए ना। और डेट इस तरह से क्वार्टर मंथ ईयर में आ गया, तो इस यहां पे लिख दीजिए डेट, हेरिकली नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट रखा, मैंने अपनी क्वांटिटी रखा, मैंने अपना टारगेट रखा, और फिर मैंने अपना अमाउंट रखा और अपना स्टोर रखा, बस सिंपल। तो ये डेटा ओवरऑल डेटा हमारा आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहे तो यहां पे जाके बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर स्टाइल वगैरह है वो हम स्टाइल वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड हेडर इस तरह से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते। अभी यहां पे मुझको बोले, कुछ बोल रहे सर? पहले दो कॉलम्स कैसे चेंज किए, आईडी में काउंट करके, मतलब मैं दोबारा बताता जो हूँ, हुआ। मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने टेबल लिया, सबसे पहले टेबल को लोकेशन पे रखा और रिसाइज किया, ठीक है, जी और फिर मैंने सबसे पहले आईडी रखा, तो आईडी नंबर है इसलिए यहाँ पे काउंट हो गया, क्या हो गया, काउंट हो गया। तो मुझे आईडी को बार बार इस तरह से काउंट नहीं करना है, तो एक काम और कर सकते हैं कि जो आईडी वाला कॉलम है ना उस पे यहाँ लिखा हुआ है काउंट, तो बोल दीजिए डोंट समराइज, इससे क्या होगा कि आपकी समरी आगे चल के नहीं बढ़ेगी, मतलब कि अगर मैंने यहाँ आईडी रखा तो आईडी पूरा दिखेगा, दिख गया। या फिर ये साइड में जैसे पिवट टेबल में होता था ना, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम लोग करते थे, वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा जहां पे डोंट समराइज कर दी। अच्छा अब जैसे मैंने डेट रखा, तो डेट डेट है, तो डेट किस में आ गया, हेरिकल में आ गया, किस में आ गया, हेरिकल, हेरिकल समझते हैं ना, ईयर क्वार्टर मंथ अलग अलग कर दिया, तो सेम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट हेरिकली और डेट दिखेगा, तो डेट ले लीजिए, हेरिकली नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपना बाकी फील्ड को एक एक करके रखता चला गया कि प्रोडक्ट, क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे हमने टारगेट, हमने अपना अमाउंट, सॉरी बाहर रखेंगे तो ये वैसे इस तरह से बन जाएगा, आपको अमाउंट को इसी के अंदर रखना है, अगर दिक्कत है तो यहाँ भी डालते चले जाइए, इसमें पिवट टेबल की तरह, बिल्कुल बिल्कुल पिवट टेबल की तरह वर्क करता है सर ये, ठीक है। अब इसकी स्लाइसर में अगर फॉर्मेटिंग करना चाहे तो बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है, वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे कलर वलर चेंज करना है वो तो आगे हम बताएंगे आपको। ये तो अभी हमारी डेटा, जहां से डेटा हम देख सकते हैं। अब बारी यहां पे आती है कि मुझे यहाँ पे कुछ फिगर चाहिए कि टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर कुछ टोटली दिखाना है, कुछ फिगर दिखाना है, चार्ट नहीं टेबल नहीं, तो हम कार्ड लेते हैं, क्या लेते हैं। अब कार्ड को हमने लिया यहां पे रखा, अब इस पे सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्वांटिटी डाला यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी दिख गया, अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कीजिए, इसकी भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, वो आगे हम बताएंगे आपको। फिर इसको उठाया कार्ड, एक और कार्ड उठाया, इसकी रिसाइज किए, इसमें डालते हैं अपना टोटल अमाउंट, फिर यहाँ पे हमने अपना एक और कार्ड लिया, यहां उठाया, और इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट रख दिया मैंने, ठीक है। फिर यहां साइड में, यहां साइड में रखना है मुझे, इसके नीचे एवरेज एमआरपी, कि हमारा एवरेज एमआरपी क्या है, एमआरपी का टोटल तो नहीं कर सकते, एवरेज से पिवट टेबल में करते हैं, ऐसे यहाँ पे एवरेज कर दिया, ये हो गया हमारा एवरेज एमआरपी। फिर
एक और कार्ड लेता हूँ यहाँ पे नीचे। इसमें करता हूँ एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये सम हो गया, तो सम के जगह पे क्या कीजिए, एवरेज, एवरेज 49% का हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद कितने प्रोडक्ट है हमारे ऊपर चाहिए मुझे, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लिए यहाँ पे, तो अपना प्रोडक्ट रख दिया यहाँ पे, पर प्रोडक्ट में तो एक्सेस आ रहा है, यहाँ पे कर दीजिए आप काउंट डिस्टिंक, मतलब कि यूनिक काउंट करेगा फिर वो डेटा में, प्रोडक्ट मान लीजिए कई बार रिपीटेड है बट यहाँ पे वो एक बार ही दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे अपने प्रॉफिट का मार्जिन चाहिए ईयर, अथेवाइज क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, स्टोर वाइज, स्टोर वाइज, स्टोर, और इसके अंदर में हमने रख दी अपनी हाँ क्वांटिटी सही रहेगा, जो रखना चाहते हैं, स्टोर का मार्जिन दिख गया कि किस स्टोर का क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब स्लाइसर, ये तो रिपोर्ट बना, स्लाइसर के लिए यहाँ पे फिल्टर लिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर मुझे ईयरली स्लाइसर चाहिए, और स्लाइसर की सेटिंग हमने कर दिया टाइल, इसके कलर चेंज करना चाहो, इसकी वैल्यू में बैकग्राउंड ब्लू कर दीजिए और वैल्यू वाइट कर दीजिए, तो अच्छा दिखेगा ना क्या। हाँ बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पे मंथ चाहिए, स्लाइसर पे क्लिक किया, यहाँ पे रखा, यहाँ मंथ, मंथ में बस ऑलरेडी अलग से है टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट वाला मंथ ला लें तो दिक्कत है, क्योंकि फिर वो जैन फेब नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो मंथ वगैरह डालने के लिए आप डेट ही यूज करें, तो डेट पे आ गया, डेट पे डेट आया, तो इसको हम हेरिकली कर दें जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और फिर यहाँ से ईयर, क्वार्टर और डे हटा दीजिए, मंथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपको लिस्ट में रखना है तो स्लाइसर में यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जैसे सिस्टम कर दिया, तो कोई भी बंदा यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे टाइल में चाहिए, मुझे इस तरह से ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लिस्ट पूरा चाहिए जैन फैब वगैरह का, जैसे कि इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको टाइल में कर दीजिए, स्लाइसर टाइल, इसकी इसमें वैल्यू बैकग्राउंड ब्लू कर दीजिए और फोरग्राउंड वाइट, नहीं पूरा है लिखा हुआ, ठीक है। ये रिपोर्ट बनके तैयार हो, पारी आती है कि इस रिपोर्ट को हम शेयर कैसे करें। देखिए, अगर इस फाइल को आप किसी को सेव एज करके और शेयर कर दे तो क्या होगा कि सामने वाले बंदे के पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए इसको देखने के। दूसरा, इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसमें, पीडीएफ, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दीजिए, पीडीएफ एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर वो स्लाइसर वगैरह जो आपने यूज किया है वो वर्क नहीं करेगा, जस्ट रिपोर्ट का जो प्रिंट आउट है जैसे प्रिंट आउट हो जाए। इसको करते हैं सबसे पहले पब्लिश, पब्लिश करने से पहले आपको बोलेगा सेव, तो सेव कर दीजिए, सेव ना, हमने यहां पे सेव कर दी एंड सिलेक्ट। उसके बाद यहां हम आते हैं अपना इंटरनेट पे, इंटरनेट पे आपको यहां लिखना है पावर बीआई, पावर बीआई की ऐप पे हम चले जाते हैं, ठीक है। पावर बीआई कहां चले गए, ऐप में चले गए, और जो पावर बीआई जो रिपोर्ट अभी भी बनाई है मैंने, ये जो सेव हुआ है 7 AM का, वो आप देखिएगा कि हमारे इस वेब कंसोल पे अभी नहीं आ रहा, यहां पर माई वर्क स्पेस पे चले जाइए, आ गया, आज ये 19 तारीख का,
अब इसमें डेटा सेट है और ये आपका रिपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए, ये रिपोर्ट पूरी यहां से हुआ। अब इसके लिए आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का आईडी, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट का आईडी फ्री में मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको कंपनी की आईडी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि वो पावर एयर इस पे वर्क नहीं करता है, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं देता है। अब इसमें बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कि लाइनिंग नहीं है, देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो मैं इसकी पूरी कैनवस वॉल पेपर के कलर को कर देता हूं ग्रे। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि इस तरह से हमारे पास ये दिख गया, क्या मिल गया, जो सही है बोला छोटा कर। ठीक है सर, अब अच्छा दिख रहा है, इसको पब्लिश कर दीजिए सेव करके। हो गया चेंज सर। अब इसको आप यहां से एम्बेड पब्लिश कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे शेयरिंग पार्ट है तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे शेयर पॉइंट भी कर सकते हैं, वेब पोर्टल पे करते हैं, डेवलपर टूल कर सकते हैं, वेबसाइट का अगर कोई वेबसाइट वगैरह है तो वहां पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको मैंने लिया और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है सर, ये लाइव है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ कोई चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसकी कलर को, अभी इसको रिपोर्ट को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट में इस रिपोर्ट की कलर में हम यहाँ पे कलर और इसकी कलर में ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ एक बार इसको रिफ्रेश कर, नहीं सेव करना होगा, सेव दिस रिपोर्ट, हो गया सर, ठीक है। अब रिपोर्ट को आप लोग भी देख सकते हैं, इसको मैं कॉपी करके आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर, क्लियर है सर। तो आप लोग आज की क्लास की रिकॉर्डिंग